हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाइका पिंक फ्राइडे सेल हॉल। सो एज ऑफ यू नो, आप सभी जानते हैं कि मैं नाइका हॉल बहुत ही रेयर शेयर करती हूँ। सो अभी ये जो नाइका पिंक फ्राइडे सेल थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफर थे, तो कुछ प्रोडक्ट तो मैंने रीपर्चेज़ किए हैं, कुछ न्यू लॉन्च हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किए हैं। सो आई थॉट एक बहुत ही छोटा सा वीडियो आपके लिए शेयर करूं। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो सभी के जो लिंक हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो डेफिनेटली आप उस लिंक के थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज ये 1 नवंबर तक है, उसके बाद ये सेल एंड हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट से कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं इस बड़े पैकेट से। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है बीबी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू विद जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई फॉर ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। ये इसका जो MRP था वो था 399 और मुझे पड़ा था 351 रुपीज़ का। सो ये मेरे लिए न्यू है, मैंने इससे पहले शैम्पू को नहीं ट्राई किया है। इसके अलावा जो सेकंड है वो है बीबी ब्लंट इंटेंस मॉइस्चर हेयर मास्क विद जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई, ये भी मेरे लिए नया है। इससे पहले ये वाला मैंने जो प्रोडक्ट है नहीं ट्राई किया है, तो इसको मैं ट्राई करूँगी, देन देखूँगी ये कैसा है, कितना अच्छा है ड्राई और फ्रीजी हेयर के लिए। नेक्स्ट है ये न्यूली लॉन्च एम कैफिन का शिमर बॉडी स्क्रब। सो एक ये न्यू एडिशन है, तो इसका भी बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर रिव्यू करने वाली हूँ। ये 449 का MRP है और मुझे पड़ा था 337 रुपीज़ का। एंड इसके अलावा ये जो हेयर कलर है बीबी ब्लंट का, ये मुझे फ्री मिला था शैम्पू एंड हेयर मास्क के साथ। मैंने इससे पहले इसको ट्राई किया है आज से 2 से 3 साल पहले, बट अब मैं नहीं करती हूँ हेयर कलर को। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू एडिशन फ्रॉम वैसलीन इन लोशन। सो ये पहला वेरिएंट है फ्लॉलेस ग्लो और जो सेकंड वाला वेरिएंट है वो है रेडियंस वाला। तो ये इनका MRP 300 रुपीज़ है, तो मेरे को ये अराउंड 210 रुपीज़ में मिला था। इसको भी बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर रिव्यू करूँगी, तो डेफिनेटली आप वॉच आउट करना ना भूलें। जल्दी जल्दी में गाइज, मैं आपको एक प्रोडक्ट तो आपको दिखाना ही भूल गई, जो था बॉडी वॉश डव का, जो मेरा फेवरेट है, जिसको मैंने रीपर्चेज़ किया है, बट इस टाइम कुछ ज़्यादा ही बड़ा परचेज़ कर लिया था, अच्छे डिस्काउंट पे था। एंड जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है एक न्यू एडिशन है पॉन्ड सीरम बूस्ट सनस्किन सीरम। तो इसके लिए भी काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था रिव्यू के लिए, तो डेफिनेटली इसका भी बहुत से जल्द जल्द मैं अपने चैनल पर रिव्यू करने वाली हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड ब्लश, आजकल ट्रेंडिंग में है, तो ये मैंने ट्राई नहीं किया है। ये एक ब्लश है, लिक्विड ब्लश है, जिसका कुछ जो शेड है ना न्यूड काइंड ऑफ है। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक फाउंडेशन, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बट ये अच्छे डिस्काउंट पे था तो मैंने ले लिया। बट नेगेटिव पॉइंट इसका पता नहीं ये है कि इसके संग क्यों नहीं मिलता पंप, बिकॉज इतना इन्वेस्ट करने के बाद पंप ना मिले तो बुरा लगता है। बट ये वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन, इसके रिव्यू मैंने बहुत देखे हैं एंड इसका शेड भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये दो प्रोडक्ट हैं इसमें से जो मैंने रीपर्चेज़ किए हैं। मेकअप फिक्सर, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट, ये भी रीपर्चेज़ है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मेकअप को सेट कर देता है, ये मेरा बहुत फेवरेट है। मतलब मैक तो मैक है, इसके अलावा बहुत सारे फिक्सर भी अच्छे हैं, बट पता नहीं ये मुझे इतना पसंद है कि मैं इसे बार बार रिपर्चेस करती रहती हूँ। दिस इज़ अ न्यू एडिशन मैक का, ये है ड्यूई टिंटेड मॉइस्चराइज़र, आजकल ट्रेंडिंग में है, मैं आजकल बहुत ट्राई कर रही हूँ, तो मैक ने लॉन्च किया तो मैंने ख़रीद लिया। ये भी एक न्यू है, मतलब रिपर्चेस किया है मैक की स्ट्रोब क्रीम। ये स्मॉल में आती है, तो अगर आपको बड़ा नहीं खरीदना है तो न्यू से ट्राई, छोटे से ट्राई कर सकते हो। तो ये था मेरा छोटा सा नाइका हॉल, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।